तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, इस सीज़न के स्टार्टिंग में हमने ग्रैंड मास्टर लगाने की सोलो में बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन हम इसमें नाकामयाब रहे। क्योंकि भाई सीज़न के स्टार्टिंग में आपको पता ही है, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे हैकर हमको देखने को मिले थे। तीनों ही मोड में, यानी कि सोलो, डुओ और स्क्वाड, तीनों में ही भाई बहुत ही ज़्यादा हैकर्स देखने को मिले थे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें एंड इस सीज़न हम 5 स्टार जरूर से लगाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी आप सबसे प्रॉमिस है। तो वीडियो पूरी देख लेना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो भाई रात को नींद में आऊँगा, मार के जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा। ये फंस गया सी है, गजब टू बी वाज आदमी। और हाँ, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बीच में आपको बहुत से ओपी हेड्स देखने को मिलेंगे, भाई वो गलती से लगे वो अलग बात है। तो इस क्लिप में मेरे पास 3 किल पहले से थे एंड अभी मेरे को चाहिए था बस एक स्मूथ सा बुया, जिससे कि मेरे को फुल प्लस मिलने वाला है। क्योंकि सोलो में आप सभी को पता ही होगा कि 3 किल के साथ अगर आप 1000 का डैमेज दे देते हो तो आपको फुल प्लस मिल जाता है। तो अभी तक मेरे को 2 बंदों की लोकेशन पता थी जो कि सामने लड़ रहे थे एंड मैं सोच रहा था कि भाई उनकी थर्ड पार्टी करके मेरे को 1-8 किल और निकालना है। क्योंकि भाई जितने ज़्यादा किल उतने ज़्यादा सोलो में KD एंड भाई प्लस भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से मैं अपना चल पड़ा अपना एक किल निकालने के लिए। बट जो आखिरी का बचा बंदा था उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब कि इन दोनों बंदों को तो मैं देख रहा था, लेकिन उस बंदे के बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। तो एक बंदा यहाँ पे आप देख सकते हो टावर में चला गया फाइट करते दौरान एंड एक बंदे को इसने मार दिया। तो मैंने सोचा कि अपना मस्त सा एक ग्रेनेड मार के इसकी किल उठा लेता हूँ। मैंने टाइम करके फेंका, लेकिन ग्रेनेड उस पर फटा ही नहीं। मैं ग्रेनेड टाइम कर ही रहा था तभी भाई AWM का मेरे को पड़ गया एक फटका राइट से एंड मेरे को लगा कि M8 2B भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने 2 ग्लूअर लगा दिया एंड इधर मैं बंदे की लोकेशन देखने के लिए UAV लाइट छोड़ रहा था तभी ये बंदा भाई अपना ग्लूअर भी फोड़ रहा था। तभी मैं अंदर चला गया अपना दूसरा UAV लाइट छोड़ने की, मतलब कहाँ पे बंदा है मेरे को देखना था। दूसरे बंदों की लोकेशन मेरे को मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। जो आखिर का बंदा बचा था उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा भी नहीं पता एंड तभी हो गया इधर हादसा। मतलब बंदा मेरे एकदम पीछे से आ चुका था। मैं भाई जैसे तैसे ग्लूअल लगा के वुकोंग बन के निकल गया उधर से, क्योंकि भाई बंदा पूरी तरह मूड में लग रहा था। मतलब जो ही रश कर रहा है मैंने उसकी लोकेशन बिल्कुल नहीं देखी। तभी ये बंदा मेरे को दिख जाता है एंड इसको M8 2B के 2 फटके देके मैं इसको कर लेता हूँ ख़त्म। तभी भाई मैं सोचा था कि यहाँ पे घास बन के बैठ जाता हूँ एंड बंदा अगर दिखेगा तो M8 2B का एक फटका लगा दूंगा, लेकिन तभी बंदे ने ग्रेनेड करना भी शुरू कर दिया। तो मैं भी अपना मस्त सजा रहा था अपने जोन को कवर करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं पहले जोन में जाऊँगा मेरे पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा। तो इस वजह से मैं बंदे की लोकेशन देखने की कोशिश कर रहा था कि किधर है बंदा। तभी मेरे को वो घर के अंदर से आता हुआ दिखता है एंड उसको मैं लगा देता हूँ भाई M1887 का एक शॉट। मतलब मैंने लगाया तो 2 ही शॉट था, लेकिन लगा बस एक। इधर मैंने M82B से उसके हेड पे एम करके मारा, मेरे को लगा भाई कि बुया है, लेकिन मैं भाई मतलब कन्फ्यूज़ हो चुका था कि बुया कैसे नहीं हुआ। क्योंकि उधर भाई आप लोग देख ही सकते हो, उधर एक वॉल जैसी चीज़ थी जिसकी वजह से भाई हेडशॉट उसको नहीं लगा एंड इधर भाई मैं अपना मस्त ग्लूअल खोल के जाने वाला था एंड बंदा मेरे को फंसा रहा था। तो मैं भी अपना ग्लूअल फोड़ के निकलने वाला था एंड जोन भी आ रहा था साथ में। मेरे पास एक ही ग्लूअल थी, मेरे को फोड़नी थी एंड मैंने उसको भी लगा के वेस्ट कर दिया। और मेरे पास बस एक ही लैंडमाइन था जो कि मैंने इधर से लगाया एंड एक शॉट मार के ग्लूअल फोड़ के निकल गया। अब बंदा मेरे को लगा कि भाई उधर जाएगा, लेकिन उसको मैंने एक हेड दे दिया मस्त सा। अब मैं उसको M8 2B के शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था एक भी शॉट। तो इस वजह से मेरे को गुस्सा भी आ रहा था एंड साथ में मेरे पास हो चुके थे ग्लूअल ख़त्म। तो अब मैं सोच रहा था कि बुया तो गया भाई, इसको थोड़ी सी डैमेज दे देता हूँ हैंड कैनन से। तभी इसको आया 108 का डैमेज एंड 44 का डैमेज। इसी के साथ मैंने शॉट गन्स निकाली एंड एक शॉट मार के बंदे का काम तमाम कर दिया एंड इस मैच में मेरे को मिल चुका था एक आराम से बुया। तो देख लेते हैं हमारा कितना प्लस हुआ था इस वाले मैच। इस वाले मैच में मेरा हो चुका है 31 का प्लस। तो इस वाले क्लिप में मेरा 3 किल हो चुके थे पहले से एंड मेरे अलावा 6 बंदे बचे थे। इसमें मैं चला रहा हूँ M41Z एंड MP40 एंड तभी मेरे को सामने दिखता है कि 2 बंदे फाइट ले रहे थे उधर। तो मैं अपना मस्त चला गया कि उधर से 1 किल निकालूंगा अपना बढ़िया से एंड 4 किल कर लूँगा। तो एक बंदे को इसी के साथ MP40 का मैंने स्प्रे दिया एंड बहुत ही मस्त सा उसको डैमेज गया एंड इधर मैंने एक गोली मार के MP40 का बंदे को कर दिया ख़त्म। तो मैं अभी अपना जोन में मस्त सा निकल रहा था, क्योंकि जोन भी जाना ज़रूरी था एंड जोन के बाहर मैंने लूटने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि मेरे पास 15 ग्लूअल पहले से थी एंड मेरे पास सफिशियंट लूट था कि मैं आराम से बुया कर सकूँ।
तो मेरे अलावा भी तीन बंदे और बचे थे जिनकी लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो मैं अपना आराम से हाइट का रीच से देखने वाला था बंदा कि किधर है, हाइट से मैं देखूंगा उनको तो दिख जाएगा बंदा। एंड आराम से मैं अपना देख रहा था कि पीछे कहीं बंदा ना हो। इस घर में मैं बार बार चेक कर रहा था कि अगर मैं हाइट के रीच में देखता रहा तभी अगर बंदा मेरे को पीछे से मार गया तब तो भाई कांड हो जाएगा आराम से। तो तभी मेरे को नीचे एक बंदा दिखता है जिसको कि मैं M4A1 के तीन शॉट्स मारता हूँ एंड बंदा अंदर चला जाता है। तो अभी मैं देख रहा था कि बंदा जैसे ही निकले उसको मैं हाइट से भाई हेड बजाओ एक एंड मस्त सा किल मिल जाए। मैं राइट की ओर भी अपना ध्यान रख रहा था क्योंकि भाई राइट से भी मेरे को पड़ सकती है, तो मैंने इसीलिए राइट साइड से कवर ले लिया एंड बंदे को भाई लगातार देखने लगा। तभी भाई बंदे क्या ही मतलब नशे करके बैठे हैं, मतलब बंदा सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मतलब इस मैच में सारे बंदे मेरे को ऐसे ही मिले जो कि मतलब भाई सीधा सीधा मेरे पे या तो रश कर रहे या तो भाई खुद अपना ही मर रहा है। मतलब क्यों रश करना बंदे को, बंदा आराम से जोन में था उसको बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं बंदे को मतलब क्या ही बोले बंदे का। तो अभी मेरे अलावा इधर एक बंदा बचा था लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरे अलावा दो बंदे और हैं, तो इसीलिए मैं भाई बंदों की लोकेशन देख रहा था। एंड तभी मैंने भाई अपना टोटल अलाइव में नज़र घुमाया एंड तभी मेरे को पता चला कि भाई दो ही बंदे हैं, यानी कि मेरे अलावा एक और ही बंदा है। तो मैंने भाई आराम से अपना UAV लाइट छोड़ने का इरादा किया एंड इधर आया, मैंने आराम से UAV लाइट को छोड़ दिया। तो तभी मैं UAV लाइट में देख रहा था कि कोई बंदा है या नहीं एंड हाथ में जो भी फालतू की चीज़ें थे उनको मैं आराम से गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट में जब वॉल गिराते तब मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या चीज़ ले क्या चीज़ ना ले। तो तभी मेरे को UAV लाइट में दिख चुका था सामने बंदा था एंड सामने बंदे ने लगा लिया था ग्लोअर। तो मेरे को तभी पता चल गया कि ये बंदा थोड़ा सा अच्छा होगा, यानी कि ये मेरे को थोड़ा सा तो मतलब तकलीफ़ दे सकता है। तभी मैंने एक ग्रेनेड लिया, कुक करके मारा उसके लेफ्ट की तरफ, सॉरी मेरे लेफ्ट की तरफ उसके राइट की तरफ, जो कि उधर नहीं गया। एंड मैंने ऊपर की तरफ एक और ग्रेनेड मारा जो कि उस पर नहीं फटाते, तो मैंने एक और ग्रेनेड मारा कि भाई कहीं कैसे ना कैसे जाके पहुंच जाए एंड वो ग्रेनेड जाके पहुंच गया एंड मेरे को मिल गया भाई आराम से एक बुया। मतलब भाई बुया कितना ही आराम से हुआ, बंदे ने भाई एक वॉल भी नहीं लगाई, बचने की कोई कोशिश भी नहीं किया। तो इस मैच में थोड़े बंदे नूफ थे इसी वजह से मेरे को बड़ा आराम से बुया मिल चुका था एंड इस मैच में मेरे टोटल प्लस लगे 32। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो यानी कि वीडियो आपको थोड़ा सा तो पसंद आ ही रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक एंड हो सके तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस क्लिप में मेरे 3 किल पहले से हो चुके थे एंड मेरे अलावा 6 बंदे बचे हुए थे। तभी मैं आगे की ओर बढ़ ही रहा था जोन की तरफ, तभी मेरे को लेफ्ट से पाराफेल लेके एक बंदे ने 3 शॉट मार दिया। तभी मैंने ग्लूअर लगा के राइट को भी चेक किया कि कोई बंदा तो नहीं है राइट में जिस जो कि मेरे को मार सके पीछे से। तभी मैंने AC-80 ले रखा था तो मैंने ट्राई किया कि बंदे को एक हेड दे सकूँ, तो बंदा निकल नहीं रहा था कवर से, तो बंदा बस पिक एंड फायर कर रहा था, मतलब बंदा थोड़ा चालाक था। तो तभी मैंने ट्राई किया 1 टैप देने की, लेकिन बंदे ने भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, मतलब मेरे 100 के करीब डैमेज उसने दे दिया था। तभी मैंने एक ग्लूअर लगा कि ग्रेनेड मारने की कोशिश की एंड तभी जोन भी आ गया, तो मैंने थोड़ा सा आगे जाके ग्लूअर लगाया एंड हील करना शुरू किया। बंदे को मैं लगातार ग्रेनेड मार ही रहा था लेकिन फिर भी बंदा भाई कहाँ बच के भाग रहा था मेरे को नहीं पता। मैंने पीछे भी एक ग्लूअर लगा लिया कि पीछे से मेरे को कोई बंदा ना टपका जाए एंड मैंने इधर लगातार बंदे में ग्रेनेड मारना शुरू कर दिया, बट बंदा बच रहा था कहीं ना कहीं। तो अभी तक मेरे को एक ही बंदों की लोकेशन पता थी एंड तभी मेरे को दिखा कि सामने बहुत ही भयंकर वाला फाइट हो रहा था, यानी कि 2-3 बंदे उधर फाइट में इन्वॉल्व थे। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया एंड दूसरा बंदा मतलब उस रूम में चला गया। तभी मेरे को राइट से भी पढ़ना शुरू हो गया एंड मैं भाई अपना मस्त से इधर बैठ के हील करने लग गया एंड हमारे पीछे वाला जो बंदा था यानी कि राइट वाला जो बंदा था उसने मेरे पे रश करना भी शुरू कर दिया था। तो मैंने भाई हील करके उस पे बस एम बैठाने की कोशिश की, इधर मैंने एक लैंडमाइन लगाया एंड घर के अंदर चला गया। तो तभी उसने ग्रेनेड मारना भी शुरू कर दिया, तो मैंने भाई इधर से देखा तो पीछे से मेरे को एक बंदे ने डैमेज दे दिया बहुत ज़्यादा। तो मैं पैक करके इधर हील कर रहा था एंड तभी भाई बंदे मतलब सारे बंदे मेरे को ही मारना चाहते थे, पता नहीं क्यों भाई उनसे मेरी कौन सी दुश्मनी है, मैंने चड्डी छुड़ा ली क्या उनकी। तो भाई तभी मैंने ग्लूअल फोड़ा एंड बाहर निकलने की कोशिश की, तभी मेरे को अंदर एक बंदा दिखा जिसको कि मैंने M18 के शॉट्स लगाने की कोशिश किया लेकिन नहीं लगा। इसने कोनों लगा के इधर भाई मारने की एक बंदे को कोशिश की थी, मैंने उसी को टपका दिया एंड लास्ट वाला जो बंदा था वो उधर पैक हो गया। मैंने उसके पैर में 1-2 शॉट्स मारे भी फिर भी वो भाई कूद रहा था, मतलब वो बच जा रहा था मेरे से। तो देखो आप कैसे भाई कूद रहा है, मतलब पूरा खरगोश का पिल्ला हो रखा है, मतलब एकदम पूरा का पूरा भाई वाइट 444 हो रखा है। एंड तभी भाई बाहर से एक बंदा आ जाता है जो कि बंदा पहले मेरे पे ग्रेनेड कर रहा था एंड इधर मेरे पास ग्लूअल ख़त्म हो गया, ना ही मेरे पास उकोंग था, तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं बस उसके वॉल के कवर में भाई हील करने लग गया, तो मेरा तो भाई मरना इधर तय था एंड इसी के साथ मैं मर गया। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, मैं बहुत ही पुराना बंदा हूँ, 2010 से फ्री फायर को खेल रहा हूँ भाई, मैं सीजन -25 से खेल रहा हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा ले ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं सोलो 5 स्टार पुशिंग करने वाला हूँ इस सीजन, तो पूरे सीजन मेरे साथ बने रहिए।